हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं सरबजीत, आप लोगों को सरबजीत मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम अभी ज्योग्राफी पे चल रहे थे, है ना? हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मेरे भाई। देखिए, एक बार फिर से याद दिला दें आप लोगों को कि ये चैनल जो है बिहार एसएससी स्पेशल के लिए चल रहा है, बिहार एसएससी स्पेशल के लिए चल रहा है। और यहाँ पे बिहार एसएससी में जो भी चीज पूछे जा सकते हैं उसका उसका 70% सिलेबस करवाया जाएगा, उसका 70% सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। उसी के संदर्भ में अभी जो है ज्योग्राफी स्टार्ट किया गया है, ज्योग्राफी स्टार्ट किया गया है। इसमें भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इससे रिलेटेड बाबू आज का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक होगा कि भारत, पहला टॉपिक है कि भारत का जो पड़ोसी देश है, माने भारत के पड़ोसी देश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य है जिसकी सीमा टच करती है, यानी भारत की राज्य की सीमाएं जो देश के साथ टच करता है, उससे रिलेटेड आज का टॉपिक होगा। अब जैसे पहला है पाकिस्तान। उससे पहले आपको याद रखना है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। उससे पहले आपको याद रखना है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है बाबू? तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं बाबू? तो भारत के पड़ोसी देश है सात। पहला है पाकिस्तान। ये इधर देख लो, ये इधर थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप जो देख रहे हो यहां से लेकर के यहाँ, ये जो देख रहे हो, ये जो बाकी और उधर भी है, ये है आपका पाकिस्तान। ये क्या है बाबू? पाकिस्तान है, इसको रेड से करते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है? तो भारत से सटा हुआ सबसे पहला देश कौन सा है? पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान किधर है? भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में है आपका पाकिस्तान। उसके बाद देखो, यहाँ बहुत कम सीमा जो है भारत का, यानी सिर्फ पीओके वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है, कहलाता है, उसी का सिर्फ छोटा सा भाग जो है, ये देश है हमारा पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान। तो भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा होगा बाबू? अफगानिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान। आप मैप देखते जाओ और आराम से समझते जाओ। तो भारत का पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये भी आपका उत्तर पश्चिम में ही है, उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम में दो देश पड़ते हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। तीसरा आ जाओ, भारत के उत्तर में आते हैं। तो भारत के उत्तर में आओगे तो ये सब एरिया यहाँ तक देखो, और फिर यहाँ से शुरू होता है, बीच में नेपाल का बाउंड्री है, ये बीच में जो है भारत में नेपाल का बाउंड्री है। उससे पहले यहां से लेकर के ये सब जो देख रहे हो, ये सब बाउंड्री जो है, ये चाइना का है। किसका है बाबू? चीन का है। तो भारत का तीसरा पड़ोसी देश है चीन, जो किस दिशा में है? उत्तर में है। और चौथा चौथा जो देख रहे हो भारत के उत्तर में, एक देश है नेपाल, छोटा सा देश है बाबू, नेपाल है। छोटा सा देश कौन है? नेपाल है। ये भारत के उत्तर में। अब देखो, भारत के पूरब में कौन सा है? भारत के पूरब में समझो बाबू, ये देखो, ये जो भूटान है,
भारत के उत्तर पूर्व में भूटान है। भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? भूटान है। भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में है बाबू भूटान है। और ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो देश आपको दिख रहा है ना, ये जो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से सटा हुआ है, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है बाबू वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा, यानी कि म्यांमार कहिए या वर्मा कहिए, ये आपका पूरब वाले डायरेक्शन में, भारत के पूरब में है म्यांमार। और भारत के पूरब में म्यांमार है, और भारत के पूरब में, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ देखो एकदम भारत के एकदम बीचों बीच जो एक देश है, भारत के बीचों बीच जो एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, हसीना वाला कंट्री है बांग्लादेश, हसीना वाला कंट्री है बांग्लादेश, जो भारत के पूरब में है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भारत के पड़ोसी देश, भारत के सात पड़ोसी देश हैं, भारत के सात पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है बाबू? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सात भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, ये सात भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद का टॉपिक क्या होगा समझना, इसके बाद का टॉपिक क्या होगा? इसके बाद का टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, तो भारत के कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं? भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हम मैप पे चलेंगे, मैप पे चलेंगे। यहां समझना बच्चों, ये मैप को ध्यान से देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या है? पाकिस्तान है। यही वाला क्षेत्र ना है बाबू, यही वाला क्षेत्र है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से सटा, ये देख रहे हो ना, ये वाला क्षेत्र क्या है? यहां से यहां तक है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर का भाग जो है पाकिस्तान से सटा हुआ है। फिर ये देखो बाबू, ये जो है पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर से नीचे वाला भाग है पंजाब, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। फिर बाबू देखो, ये वाला हिस्सा जो है राजस्थान है, राजस्थान है, और ये वाला हिस्सा है गुजरात। कहने का मतलब एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट और चार स्टेट, चार स्टेट है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। लेकिन बाबू आपको पता है, आपको पता है कि 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 2019 को, 5 सितंबर याद रखना बाबू, 5 सितंबर 2019 को ये जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके यानी विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। केंद्र शासित प्रदेश, एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर रह गया, जम्मू एंड कश्मीर रह गया, लेकिन दूसरा आपका लद्दाख नाम का एक नया, लद्दाख नाम का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। यानी जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था, उसको विभाजित करके दो दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है बाबू। तो अब पहले तो चार स्टेट था, लेकिन अभी क्या होगा? अभी दो केंद्र शासित प्रदेश और तीन स्टेट है जो पाकिस्तान से टच करेगा। कौन कौन? तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ देखो, यहाँ फिगर में देखो, जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया, तो आपको याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, नीचे है जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र है लद्दाख का, तो लद्दाख हो गया, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर आपका गुजरात है। अब फिगर में आपने देख लिया, मान के चलो कि आपको जो है, आपको फिगर नहीं याद है, आपको फिगर नहीं याद है बाबू, तो क्या करेंगे?
आपको जनरली पता है कि पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है एकदम माने अंधरा कंधरा जो भी है एकदम कह सकते हो संस्कृत में पंगु रहता है, पंगु राज वहां रहता है। पाकिस्तान में हमेशा पंगु राज रहता है, काहे कि वहां तो सरकार जो है सरकार कम चलाता है, वहां के आतंकवादी सरकार ज्यादा चलाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि भाई वहां जो है पंगु राज है। क्या है बाबू? पंगु राज है, पाकिस्तान में हमेशा से पंगु राज रहा है। ये पंगु राज भी कुछ बताता है, पन से बाबू है पंजाब, पंजाब, गु से है बाबू गुजरात, गु से है बाबू गुजरात, रा से है बाबू राजस्थान, राजस्थान, और ज से है बाबू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन बाबू जैसा हम अभी बताए थे कि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो एक तो जम्मू कश्मीर रहेगा ही, साथ में एक प्लस हो जाएगा क्या? लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। तो आप पंगु राज से याद रख सकते हो कि भाई पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, और जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर रहेगा तो लद्दाख भी रहेगा, क्योंकि उसी को दो भाग में तोड़ दिया गया है, तो याद हो गया। तो यदि कोई पूछेगा कि पाकिस्तान से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले नंबर पे क्या होगा बाबू? पंजाब होगा, पंजाब होगा। दूसरे नंबर पे बाबू राजस्थान होगा, राजस्थान होगा। तीसरे नंबर पे बाबू गुजरात होगा, गुजरात होगा। ये तीन स्टेट है और बाकी दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और एक है बाबू लद्दाख, एक है बाबू लद्दाख, याद हो गया होगा। चलिए अगला की तरफ चलते हैं। अब समझना बाबू, दूसरा दूसरा है हमारा, दूसरा है हमारा। देखो बाबू, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर में कौन था बाबू? अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान था नहीं, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर में था हमारा भाई अफगानिस्तान था, समझना, अफगानिस्तान भाई। अफगानिस्तान का बहुत कम, सबसे कम बाउंड्री भारत के साथ टच करता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ बहुत ही मिनिमम मिनिमम शेयर है। यदि कोई पूछेगा भारत के साथ कौन ऐसा देश है जो अपना मिनिमम लेंथ शेयर करता है, मिनिमम लंबाई भारत के साथ शेयर करता है, तो बाबू वो है अफगानिस्तान। और यह अफगानिस्तान जो है अभी केवल और केवल लद्दाख के साथ टच करता है, केवल लद्दाख के साथ टच करता है, ठीक है। पहले जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था तो जम्मू एंड कश्मीर का पीओके वाला क्षेत्र जो है, पीओके वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, भारत का अफगानिस्तान के साथ टच करता था। अभी उसी क्षेत्र जो पीओके वाला क्षेत्र है वो लद्दाख में चला गया है, तो अभी जो है अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल लद्दाख टच करता है, केवल और केवल क्या टच करता है? लद्दाख टच करता है। चलिए इसी तरह से है तीसरा, तीसरा है बाबू चीन, तीसरा है बाबू चीन। अब समझो चीन के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य टच करता है, समझना। यहाँ पे चीन, पहले आप मैप में देख लो, यही है ना मैप, यही है ना मैप, आप देखो बाबू मैप, समझना। यहाँ पे ये देखो, ये है आपका जम्मू कश्मीर, इसमें बाबू कुछ जम्मू कश्मीर आता है, कुछ जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र है, कुछ लद्दाख का भी क्षेत्र है चाइना के साथ। उसके बाद नीचे में देखो तो हिमाचल प्रदेश है, फिर ये बाबू उत्तराखंड है, तो यहाँ ऊपर में दो केंद्र शासित प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेश और दो राज्य टच करता है। बाकी इधर आ जाओ तो आपका सिक्किम टच करता है, फिर ये आपका अरुणाचल प्रदेश करता है। फिर से एक बार इधर देखिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश चाइना से टच करता है, फिर आपका ये सिक्किम वाला भाग टच करता है, फिर ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, ये है बाबू हिमाचल प्रदेश, और दो केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश जो है चाइना के साथ टच करता है। मैप में हमने दिखा दिया जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमने मैप के सहारे बता दिया। अब मान के चलो कि आप मैप भूल गए। आप मैप भूल गए तो कोई बात नहीं है, एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना बाबू। है माँ अरुणा, अरुणा शिखंड जाएगी, है माँ अरुणा शिखंड जाएगी। ठीक है बाबू, ये ट्रिक याद रखना, है माँ अरुणा शिखंड जाएगी, है माँ अरुणा शिखंड जाएगी। जैसे ही चाइना आए आप याद कर लेना, है माँ अरुणा शिखंड जाएगी। तो आपको मैप याद रहे या न रहे, आप बता दोगे, कहोगे कैसे बताइएगा, तो देखिए, देखो बाबू, हैमा का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश, हैमा से बन गया हिमाचल प्रदेश, हैमा से बन गया हिमाचल प्रदेश। बाबू ये जो अरुणा है, अरुणा से बन गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से बन गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बाबू, अब ये जो देखो सी, सी से बन गया बाबू सिक्किम, सी से बन गया बाबू सिक्किम, सी से बन गया सिक्किम। अखंड किस में रहता है बाबू? खंड रहता है उत्तराखंड में, खंड रहता है उत्तराखंड में, किस में रहता है? उत्तराखंड में, खंड रहता है उत्तराखंड में। आ जाएगी, जैसे क्या, फिर से जम्मू एंड कश्मीर, जाएगी यानी जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया है, तो एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अब प्लस में आपका लद्दाख हो गया, प्लस में लद्दाख। पहले ये दोनों एक ही था, अब अलग अलग है, तो अलग अलग दोनों चाइना से टच करता है। ठीक है बाबू, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, अब बाकी ये क्या है, आपका राज्य है, क्या है बाबू, स्टेट है। तो चाइना से याद हो जाएगा, है माँ अरुणा शिखंड जाएगी, ये आप याद रखना, ये आप याद रखना। चलिए बाबू अगला, अगला समझना, अगला यानी कि चौथा, भारत के चौथा पड़ोसी देश हम देखते हैं कौन सा है, नेपाल। देख लो नेपाल के बारे में, देख लो बाबू, देख लो नेपाल, नेपाल क्या है, ऐसे फैला हुआ है नेपाल बाबू। हिमालय क्या है, माने नेपाल में मैक्सिमम हिमालय का भाग है, तो हिमालय क्या है, आर्क के तरह फैला हुआ है ना, आर्क के तरह। तो देखो बाबू, इसमें ट्रिक याद रखना, ऊपर ऊपर बी सी, बी सी खंड, ऊपर बी सी खंड, ये ट्रिक याद रखना, ऊपर बी सी खंड, ऊपर बी सी खंड, ऊपर जो है बी सी खंड है। अब देखो बाबू, उसे क्या हो गया, उसे क्या हो गया, उसे क्या हो गया बाबू, समझना, उसे क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। पहले आप देखो, पहले आप चलो इधर, यहां देखो, ये है आपका बाबू नेपाल, ये है क्या, नेपाल। ये नेपाल से सटा हुआ कौन है बाबू, उत्तराखंड है। फिर कौन है, यहां समझना बाबू थोड़ा सा, पहले आप इससे समझो, ये नेपाल है, ये क्या है बाबू, नेपाल है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। रेड ले लो, देखो बाबू यही ना सीमा है नेपाल का, यह देखो, ये वाला सीमा किससे सटा हुआ है, उत्तराखंड से। ये वाला सीमा किससे सटा हुआ बाबू, उत्तर प्रदेश से। ये वाला सीमा किससे सटा हुआ बाबू, बिहार से। और ये वाला सीमा किससे सटा हुआ बाबू, सिक्किम से। यानी कि नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, यही चार राज्य है ना, यही चार राज्य है। अब यही चार राज्य को आप याद कर लेना, इसी चार राज्य को आप याद कर लो। कैसे याद रखेंगे, उसके लिए ट्रिक है, ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड, देखो ऊपर बीसी खंड, देखो बाबू, उसे उसे अब क्या याद रखना, ऊपर बीसी खंड है, ऊपर ऊपर माने उत्तर प्रदेश, ऊपर माने उत्तर प्रदेश, ऊपर
ऊपर मैंने उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार, ये है बिहार, ये है सिक्किम, ये है सिक्किम, और ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। बाबू चार राज्य होने चाहिए थे। पहला क्या है बाबू? ऊपर, ऊपर माने उत्तर प्रदेश, ऊपर माने बाबू उत्तर प्रदेश, समझना, ऊपर माने उत्तर प्रदेश, ऊपर माने उत्तर प्रदेश। बी माने बिहार, बी माने बिहार, बी माने बिहार। सी माने सिक्किम, सी माने सिक्किम, सी माने सिक्किम। और चौथा खंड का मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड है बाबू। यही चार स्टेट टच कर रहे थे ना, तो ऊपर का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, सी से सिक्किम, अखंड से उत्तराखंड, खंड से उत्तराखंड। चलिए चलिए बाबू, चार याद हो गए, चार याद हो गए, समझना बाबू। हमने चार गो स्टेट के बारे में बता दिया, चार स्टेट के बारे में, सॉरी चार देश, भारत के चार पड़ोसी देश। पचमा हमने क्या क्या देखा बाबू? सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पाकिस्तान देखा, अफगानिस्तान देखा, फिर हमने चाइना देखा, फिर हमने नेपाल देखा। चार देश, भारत के चार पड़ोसी देश देख लिए, जहां भारत के राज्य टच कर रहे थे। अब हमारे पास पचमा नंबर है किसका? आप भूटान ले लो, भूटान है ना, भूटान। अब देखिए बाबू, भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपना सीमा शेयर करता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप मैप पे आइए, मैप पे आ जाइए। सबसे पहले मैप जानना, मैप सीखना बहुत जरूरी है। मैप आपको याद रहता है तो आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये छोटा सा देश है भूटान, ये जो दिखा रहे हैं ये छोटा सा देश है भूटान। अब देखो भूटान के सटा, भूटान से सटा कौन सा राज्य है भारत के? तो देख लो बाबू, ये है आपका सिक्किम, ये है क्या सिक्किम, ये है सिक्किम, ये है क्या बाबू, ये क्या है बाबू, आसाम है, ये क्या है आसाम है, ये क्या है बाबू, ये वाला, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ आपका सिक्किम है, क्या है बाबू, सिक्किम है ना, ये क्या है सिक्किम है, सिक्किम है। उसके बाद क्या है बाबू, भूटान है, सॉरी भूटान तो देश ही है, सिक्किम है। नीचे में आ जाओ आप, नीचे में आ जाओ आप, बढ़िया से देख लो, ये पिक्चर बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, चलिए कोई बात नहीं है। ये आपका सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे आपका है आसाम, आसाम है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखेंगे, भूटान। देखो बाबू, भूटान की लड़कियां जो होती है बड़ा मस्त होती है, ठीक है, वहां के लड़की को लोग देख करके आशिक बन जाता है। तो एक लड़का जाकर के भूटान के लड़की को बोला कि हम जो है आपके आशिक हो गए, आप भी आशिक हो जाइए, आशिक आप, आशिक आप। भूटान की लड़कियां बड़ा सुंदर होती है, तो यहाँ का लड़का जो है वहां की लड़की को देख के आशिकी चलाने लगता है, यानी आशिक आप, आशिक आप। बाबू आ से क्या हो गया, आशाम हो गया, ठीक है, आ से क्या हो गया बाबू, आसाम हो गया, और आशिक ऐसे लिखना है आशिक। सी से बाबू क्या हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। सिख से क्या हो गया बाबू, सिक्किम हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया। और ये वाला आ से क्या हो गया बाबू, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। कहिएगा ये प, ये हो गया बाबू पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया बाबू। मैप में छोटा सा हिस्सा नहीं दिख पाया, इसीलिए बोल रहे थे ये यदि जूम होता तो ज्यादा अच्छा था बाबू। ये जो वेस्ट बंगाल दिख रहा है ना,
ये वेस्ट बंगाल जो है भूटान की तरफ घुस गया है, ये वेस्ट बंगाल जो है भूटान की तरफ घुस गया है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का हिस्सा भी भूटान में चला गया है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा भी भूटान में चला गया है, आप अच्छे से मैप को देखना पता चलेगा, ठीक है। तो भारत के चार राज्य हैं जो भूटान के साथ अपना सीमा शेयर करता है। सबसे पहले बाबू आसाम है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, याद तो आप कर ही लोगे। अब चलो छठा, टाइम बहुत कम है, छठा देख लेते हैं। छठा है बाबू आपका म्यांमार, देख लो म्यांमार देखते हैं। म्यांमार का दूसरा नाम है वर्मा। तो भारत के कोई गए वर्मा, उसकी मामी वहां रहती थी, तो जाके बोलता है कि मामी जी, ठीक है, मामी वर्मा आना, ट्रिक का नाम है मामी वर्मा आना, ठीक है, मामी वर्मा आना। अब कहिए कि मामी का चीज है भाई, मामी क्या चीज है? आप पहले इसके लिए तो मैप देखना ही पड़ेगा। देखो बाबू, पहले आप देख लो, क्योंकि माँ से बहुत सारा राज्य है। ये देखो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य के बारे में पहले आप देख लो, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वो है कौन, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के बारे में आप देख लो, ठीक है बाबू। यहाँ देखो, समझो, ये है बाबू अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है बाबू नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है ये नीचे में मिजोरम, इधर है आपका त्रिपुरा। तो म्यांमार से आपका सटा हुआ यही सब है, अरुणाचल प्रदेश यहां तक आ गया, यहां तक है अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी टच कर रहा है। ये बाबू नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। तो भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर राज्य चार गो है बाउंड्री पर बसा हुआ, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है जो बाउंड्री पर बसा हुआ है, वही म्यांमार के साथ सीमा शेयर करता है। अब आते हैं ट्रिक पे, ये तो पता चल गया कौन कौन सा राज्य है। तो यहां देखो, ये है आपका मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है बाबू, समझना समझना बाबू, ये है मणिपुर और मिजोरम। बर्मा छोड़ दो, बर्मा तो आपका देश हो गया, आ से हो गया बाबू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ये ना से हो गया बाबू नागालैंड, क्या हो गया नागालैंड। म से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मामी बर्मा आना, चार गो स्टेट के साथ शेयर करता है। आप ये भी याद रख सकते हो, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, और इसी से सटा हुआ आपका है म्यांमार, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और आपका सातवां राज्य, सातवां देश बचा बांग्लादेश, सातवां बचा मेरे भाई बांग्लादेश, क्या बचा बांग्लादेश। एक बात याद रखना, भारत का सबसे लंबा सीमा जो टच करता है कोई देश, है ना, भारत के राज्यों का जो अधिकतम सीमा, अधिकतम बाउंड्री जो शेयर होता है विदेश के साथ, फॉरेन के साथ, वो है आपका बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से तो अलग हुआ है, तो इसका पूरा का पूरा बहुत ज्यादा बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक्चुअली क्या ट्रिक है, बांग्लादेश की आजादी इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, इंदिरा मैडम के समय हुआ था, इसीलिए उस समय से ही भारत और बांग्लादेश का संबंध एकदम मित्र के जैसा है। तो एक ट्रिक याद रखना, अब मित्र मैं, चूंकि भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध कैसा है बाबू, एकदम मित्र जैसा है, तो अब मित्र में याद रखना, अब मित्र में, मैं नहीं, अब मित्र में याद रखो, ज्यादा अच्छा रहे,
अब मित्र में। ठीक है, देखो बाबू अस है क्या, आशाम है बाबू, आसाम है, आ से आशाम है। ये जो ब है, ब से बंगाल है, बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल बाबू। मी से क्या है, मिजोरम है, ये क्या है बाबू, मिजोरम है। त्र से क्या है बाबू, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। अमे से क्या है बाबू, मेघालय है, मेघालय है। तो याद रखना, बांग्लादेश के साथ भारत के पांच राज्य हैं जो अपना सीमा शेयर करता है। पहला है असम, असम होगा तो उससे सटा हुआ राज्य है मेघालय, ये भी करता है। ठीक है, तीसरा असम हो गया, मेघालय हो गया, नीचे में मिजोरम और त्रिपुरा, ये भी करता है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये दोनों करता है। और एक तरफ से तो भाई चूंकि पश्चिम बंगाल से तो अलग ही हुआ है ये बांग्लादेश, तो पश्चिम बंगाल तो कंफर्म करेगा। एक बार मैप देख लो भैया, एक बार आप आओ मैप देख लो, मैप देखोगे मजा आ जाएगा, मैप देखोगे मजा आ जाएगा। आप मैप देख लो, जब तक पूरी कंफर्मेशन नहीं हो जाए कि समझ आ गया, तब तक हमें नहीं लगता छोड़ना चाहिए। अब देख लो बाबू, यहाँ देखो, ये है देश आपका बांग्लादेश, ये है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो सफा दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल इसके साथ शेयर करता है। ये देख लो बाबू, ये सब तो ये पूरा बंगाल है, ये बाबू आसाम का क्षेत्र, ये आसाम हो गया। उससे नीचे बाबू मेघालय, ये आपका मेघालय, मेघालय हो गया बाबू। ये क्या देख रहे हो, मिजोरम है, जो कि ये वाला पूरा क्षेत्र जो है बांग्लादेश है, तो ये नीचे मिजोरम है, और ये क्या है बाबू, त्रिपुरा। त्रिपुरा को, त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश घेर ले है, त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश घेर ले है, इसलिए नमो पर गया त्रिपुरा। तो चलिए कोई बात नहीं है, भारत के पांच राज्य हैं जो किसको घेरे हुए हैं, किसको घेरे हुए हैं, बांग्लादेश को। वीडियो बहुत लंबा हो गया मेरे दोस्त, तो अब क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रिक हमने दिया है, मैप से भी बताया, ट्रिक से भी बताया, समझाया भी, रटाया भी। इसके बाद ये भारत के पड़ोसी देश के साथ कोई लफड़ा नहीं रहना चाहिए, है ना। भारत के साथ जो भी पड़ोसी देश के साथ लफड़ा है, उसको आज आप लोग निपटा देना। ये वीडियो एक बार अच्छे से प्रेम से बैठ के देख लेना, और जो भी मामला है निपट जाएगा। एग्जाम में जब भी आएगा कि भाई बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य भारत का शेयर करता है आप बता दोगे, चाइना के साथ कौन कौन शेयर करता है बता दोगे, सिक्किम के साथ कौन कौन करता है, कौन कौन सा देश है सिक्किम से सटा हुआ, आप मैप देखे हैं बता सकते हैं। देखो ना, यही है ना सिक्किम, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, मैप देख लिए बात खत्म है। यानी भारत के तीन ऐसा ऐसा राज्य है जो तीन तीन देश के साथ शेयर कर रहा है। जैसे देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो क्या एक तरफ चाइना, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, तीन देश हो गए। उसी तरह से आपका सिक्किम है, सिक्किम तीन तरफ से घिरा हुआ है, कौन कौन, नेपाल भूटान, नेपाल भूटान, और ऊपर में चाइना है। उसी तरह से आप बांग्लादेश को देख लो, तो बांग्लादेश कहिएगा बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी तीन देश के साथ घिरा हुआ, कहिएगा कैसे, तो ये बंगाल जो है नेपाल में सट गया है, भूटान में सट गया, और बांग्लादेश तो बगल में है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि भारत का कौन ऐसा तीन स्टेट है, कौन ऐसा तीन स्टेट है जो तीन तीन देशों के साथ सीमा शेयर करता है, तीन तीन देशों के साथ सीमा शेयर करता है। मैप में देखिएगा, हम हिंट दे देते हैं भैया, ये एक जे एंड के है, जे एंड के है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, फिर बाबू सिक्किम है, फिर बाबू सिक्किम है, ये आप याद रखना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।